नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सोकड़ा पुल पर। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वक्त कुछ ही देर पहले यहां पर एक महिला का शव मिला है इसी सोकड़ा पुल की। ये जो नहर आप देख पा रहे हैं यहीं पर, हालांकि हम आपको बॉडी की तस्वीरें नहीं दिखा सकते क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर जरूर करें। क्या कुछ पूरी जानकारी है, हमारे साथ गोताखोर प्रगट सिंह मौजूद है। सर, क्या कुछ जानकारी बताना चाहेंगे, एक महिला का शव मिला है? हाँ जी, सबसे पहले तो मेरे एक जो पुलों पे नंबर हमने लिखे हुए हैं लोगों के सेवा के लिए, भले के लिए भी, अगर कोई बच्चा डूब जाता है या कोई बॉडी नहर में दिखाई तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो ये यहाँ से तीन पुल पीछे रमाणा पुल से हमारे पास मैसेज आया था कि 16-17 साल की लड़की, एक डेड बॉडी है, वो नहर के अंदर जा रही है। तो उन्होंने 100 नंबर पर मैसेज दे दिया था। तुरंत हम अपने साथी नरेंद्र सिंदर अपनी टीम के साथ जब सौकड़ा पहुँचे, तो जब हमने इसको नज़दीक लगाया तो इसकी उम्र तकरीबन 38 से 40 साल के आसपास है। लाल कलर की सलवार और पजामी, ये ब्राउन कलर की पंजाबी पहने हुए। अभी बाहर निकालने के बाद हम थोड़ा और इसको नज़दीकी से देखेंगे कि इसके ऊपर कोई नाम, टैटू, कोई निशानी मिलती है। फिलहाल अभी ये लवारी साहब मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और मैं IBN के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जल्दी से जल्दी इसका परिवार, इसके बच्चे, माँ बाप, बहन, वो मिल सके और इसकी शिनाख्त के लिए। कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं मैडम, अभी ये फिलहाल लवारी साहब निकालने के बाद इसको देखेंगे, इसका टैटू। रमाणा के पास आप किसी और की बॉडी के लिए गए थे, मतलब किसी और? नहीं, मैं करनाल, एक बच्चा जो डूबा हुआ है उसके चक्कर में परिवार 2 दिन से परेशान था, मैं थोड़ा आ नहीं सका, तो आज मैं उनके लिए निकल रहा था। तो आगे रास्ते में एक और सबसे दुखद घटना ये है कि 5वें दिन में लगातार ये 5वीं डेड बॉडी है, और पिछले 30 दिनों में हरियाणा की बात करें तो 19 डेड बॉडियां हमें बरामद हो चुकी जी। तो ये 5वीं डेड बॉडी पिछले कुछ दिनों में मिली, और मैं आपको बताना चाहूंगी एक महिला का शव यहाँ पर मिला है रमाणा के पास। मैं आपको बताना चाहूंगी उस जगह कुछ किसी बॉडी की ये पहचान करने की कोशिश करते, बॉडी को ढूंढने की ये कोशिश करे थे, और उस समय जो गोताखोर प्रगट सिंह है उनकी पूरी की पूरी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। उनके द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगी ये जानकारी इस वक्त सामने निकल कर आ रही है, बॉडी भी यहीं पर है। हालांकि हम आपको बॉडी की तस्वीरें मैं लगातार बोल रही हूँ कि हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन अपील यही रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करते रहे ताकि बॉडी की पहचान हो सके कि आखिर किस परिवार का सदस्य है। 48 से 40 साल की उम्र कुछ बताई जा रही है, यानी कि 38 से 40 ईयर्स, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 40 साल की उम्र जो है बताई जा रही है कि इस महिला की हो सकती है। लाल कलर का इस महिला ने एक तरीके से कुर्ता पहना हुआ है और ब्राउन, हल्के ब्राउन कलर में पजामी है, स्लैक्स डाली हुई है हल्के ब्राउन कलर में। ये मैं आपको पहचान इस वजह से बता रही हूँ ताकि जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तब इस महिला की पहचान हो सके। अगर किसी का कोई सदस्य, किसी का कोई महिला सदस्य पिछले कुछ दिनों में गायब था या फिर किसी हादसे का शिकार हो चुका था, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर सोकड़ा पुल पर इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के, जहाँ पर कुछ समय पहले ही एक शव यहाँ पर मिला है, जो शव महिला का है जिसकी उम्र 48 से 40 साल अभी बताई जा रही है। हालांकि जो गोताखोर प्रगट है उनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका यही कहना है कि अभी हम बॉडी को अच्छे से देखेंगे भी और पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई आइडेंटिटी ऐसी है जिससे और ज़्यादा जानकारी निकल कर सामने आ सके, या फिर कुछ ऐसी निशानी हो जिससे लोगों को पहचानने में भी मदद हो सके। आप देख सकते हैं पुलिस टीम भी यहाँ पर मौके पर है, पुलिस से भी बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे, महिला पुलिस भी यहाँ पर है। कि क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम, क्या कुछ जानकारी आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? मंजीत है इस वक्त हमारे साथ। अभी हमें भी यहाँ से फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे एक डेड बॉडी पानी में बह रही है, तो हम तुरंत यहाँ पे आए हैं। अभी आए हैं तो इसको हॉस्पिटल में ले जाएंगे, वहाँ पे इसका पासपोर्ट कराएंगे, उसके बाद ही पता लगेगा कैसे कूदी है या क्या हुआ है। अभी जो पुलिस टीम कहाँ से आई है? ये त्रावड़ी थाने से। त्रावड़ी थाने जी। तो कितने पुरानी ये बॉडी इस वक्त लग रही है? मैम ज़्यादा पुरानी तो लग नहीं रही, कली की लग रही है। कली की लग रही है जी। अभी देखते हैं, अभी इसका इश्तिहार देंगे या वीडियो चले उस पर चलाएंगे, कहीं से पता लग जाए, कोई सुराग लग जाए किसी के घर की, कहाँ की है। तो कोई और मिसिंग कंप्लेंट हो किसी महिला की? मैम हमारे पास नहीं है, क्यों ये हमारी यहाँ के लग भी नहीं रही है, फिर भी हम कोशिश करेंगे, पता करेंगे आसपास के थानों में फोन करके या जो भी सूचना लेके, भी कोई मिसिंग की रिपोर्ट आई लिखी हुई किसी की। तो अब बॉडी को मैम कहाँ भिजवाया जाएगा? ये पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा, अगले 48 घंटों तक वहीं पर रखा जाएगा। बिल्कुल 72 घंटे तक वहीं तक रखा जाएगा।
जी मैम। करनाल की कल्पना चावला में भिजवाया जाएगा मछली हाउस में। हाँ जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से पुलिस टीम से भी हमारी बातचीत हो रही है, थाना तरावड़ी से पुलिस टीम मौके पर पहुंची है, और मैं आपको बताना चाहूंगी SHO तरावड़ी का नंबर मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी, ताकि अगर किसी को भी कोई जानकारी लेनी हो या अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9729990715। एक बार फिर से मैं आपको नंबर बताना चाहूंगी 9729990715। SHO तरावड़ी का नंबर है, यानी कि तरावड़ी थाने के SHO का नंबर है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी अभी सोकड़ा पुल पर इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर कुछ ही समय पहले एक महिला का शव यहां पर मिला है, जिसकी उम्र 48 से 40 साल बताई जा रही है। पुलिस टीम से भी हमारी बातचीत हो रही है, उन्होंने भी यह जानकारी दी है कि बॉडी ज्यादा पुरानी नहीं लग रही, बॉडी मुश्किल से हो सकता है एक या दो दिन पुरानी हो, और बॉडी को अब 48 घंटों तक करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मर्चरी हाउस में रखा जाएगा 48 घंटों तक। इसी तरीके से अगर कोई भी शव बरामद होता है, कोई भी बॉडी मिलती है किसी नहर से, तो उस बॉडी को रखा जाता है, ताकि उसकी जानकारी अगर निकल कर सामने आती है तो बॉडी को उनके परिजनों तक सौंपा जा सके। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील कि अगर आपकी जानकारी में भी कोई ऐसी महिला है जो पिछले कुछ दिनों में गायब हो, क्योंकि बॉडी अभी ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही, फिर से एक बार मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि रेड और पिंक से कलर का कुर्ता इस महिला ने पहना हुआ है, हल्के ब्राउन से शेड में पजामी है। और आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर जरूर करें। हालांकि बॉडी को भी थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करने की कोशिश जरूर की जाएगी, क्योंकि जो गोताखोर प्रगट सिंह है उनकी टीम यहां पर मौके पर पहुंची हुई है। हालांकि बॉडी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। बॉडी यहीं पर पड़ी, और ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि कई लोगों के परिवारों में उनका जो सदस्य होता है या तो किसी हादसे का शिकार हो जाता है, या फिर डिप्रेशन के चलते खुदकुशी कर लेता है। और ऐसे समय में परिजन बार बार यही कोशिश करते हैं कि उनके जो घर का सदस्य है उसकी पहचान हो सके, उनके जो घर का सदस्य है वो कहीं ना कहीं से मिल जाए। उसको कई दिनों तक ढूंढने का प्रयास किया जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर टीम गोताखोर प्रगट सिंह है, आप देख सकते हैं, ऑनलाइन इनकी फ्री सेवा रहती है। नंबर हम आपको इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यानी कि अगर आपको इसी तरीके से कोई भी बॉडी मिलती है किसी नहर में, नहर के किनारे मिलती है, तो आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं, जानकारी बता सकते हैं। और अभी भी जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि वीडियो को देखते भी रहें, इसे शेयर भी करते रहें। जो गोताखोर की टीम होती है लगातार कई बार ऐसे प्रयास करती है, कई घंटों तक, कई कई दिनों तक बॉडी को ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन यहाँ पर किसी और की बॉडी ढूंढने वक्त यहाँ पर एक महिला की बॉडी यहाँ पर सोकड़ा पुल पर मिली है। और मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी, महिला की उम्र 40 साल के करीब बताई जा रही है, बॉडी जो है बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर जरूर करें। जो महिला का शव है अब करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मर्चरी हाउस में अगले 48 घंटों तक रखा जाएगा, ताकि बॉडी की कोई पहचान हो सके, या फिर अगर उसके परिवार वाले मिलते हैं 72 घंटों तक बॉडी को करनाल के कल्पना चावला एंड मेडिकल कॉलेज के जो मर्चरी हाउस है वहां पर रखा जाएगा, ताकि अगर परिवार वालों का कुछ भी पता चलता है तो परिवार वाले आकर जानकारी ले सकते हैं। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं B24, मैं हूँ मैक शर्मा करनाल से आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके देखते भी रहें और शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।